वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सार्थक अंक की जानकारी दी थी। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में चैप्टर 2 के त्रुटि विश्लेषण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फॉर्म सबसे पहले परसेंटेज इरर यानी कि प्रतिशत त्रुटि, ये के लिए हम सबसे पहले सूत्र बताने जा रहे हैं। जरा उसका सूत्र क्या है जरा देख लीजिए। परसेंटेज इरर मीन्स प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ठीक है ना। यहाँ पर ए क्या है, किसी विशेष भौतिक राशि की माप है। ए क्या है यहाँ पर, डेल्टा ए क्या है यहाँ पर, डेल्टा ए इक्वल टू अल्पतमांक मीन्स एल ई ए एस टी लीस्ट काउंट, ध्यान रखिएगा। डेल्टा ए को कहते हैं सबसे या उस माप की सबसे छोटी माप, डेल्टा ए को अल्पतमांक कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डेल्टा ए अपॉन ए को क्या कहते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि यानी कि सापेक्ष त्रुटि, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि को, फ्रैक्शनल इरर, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और ध्यान से समझने योग्य है कि ए के जगह पर हम ले सकते हैं मास, ए के जगह पर हम ले सकते हैं लेंथ, ए के जगह पर हम ले सकते हैं टाइम, ए के जगह पर हम ले सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी प्रकार हम इसके अतिरिक्त अन्य भौतिक राशि को भी हम इसमें समाहित कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर भौतिक राशि मास हो, इसके लिए परसेंटेज इरर का फार्मूला क्या होगा, जैसे डेल्टा ए अपॉन ए होता है वैसे ही डेल्टा एम, एम के लिए यहाँ पर डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अगर लेंथ किसी वस्तु की होती उसकी परसेंटेज इरर निकालने के लिए क्या लिखना चाहिए, स्मॉल एल के लिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। फोर्स की बात करें तो डेल्टा एफ अपॉन एफ इंटू 100। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 होगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज इरर जो होता है एक जनरल फार्मूला के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये इसी फार्मूला का बहुत ही आसानी से हम उपयोग करेंगे, एक एक करके आपको देखना है। चलिए इसके आगे की जानकारी देते हैं। यहाँ पर अगर स्मॉल ए मास के रूप में लिखा जाए तो इसका परसेंटेज इरर मीन्स ये पी ई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। यहाँ पर डेल्टा ए क्या है ये चीज़ याद कर लीजिए, समझ लीजिए, एल फॉर लीस्ट सी फॉर काउंट, लीस्ट काउंट भौतिक राशि की सबसे छोटी माप को लीस्ट काउंट कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। अल्पतमांक इसी आधार पर डेल्टा एम, डेल्टा एल, डेल्टा टी, डेल्टा एफ, डेल्टा जी आदि हो सकता है। किसी किसी सवाल में ये जी न दिए होने पर कांस्टेंट के रूप में ले लिया जाता है, ठीक है ना। डेल्टा ए ज्ञात करने के लिए अंतिम अंक के स्थान पर एक तथा शेष स्थान पर हम जीरो रखते हैं, ठीक है ना। जरा इसके विषय में जरा अलग से समझ लीजिएगा। अगर किसी वस्तु की लंबाई अगर हम ले लेते हैं 10.00 मीटर, ठीक है ना, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा, डेल्टा एल इक्वल टू, ये यहाँ पर क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि यह अंतिम अंक के स्थान पर एक लिखेंगे और शेष स्थान पर हम जीरो लिखेंगे। तो अंतिम स्थान पर हम एक लिखेंगे, मीटर भी लिख दीजिए, उसके पहले जितने भी अंक दिए गए हैं उन सभी जगहों पर हम जीरो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, 0.01। तो इस तरह से हम अल्पतमांक लिख लेते हैं आसानी से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके आगे की बात करें कि इसका फार्मूला किस तरह से डिफाइन किया जाता है उसको हम देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हेडिंग क्या लिख दिया हमने, मापित राशि की घात में त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि इरर इन पावर ऑफ ए, ठीक है ना,
मिजर्ड ये क्वांटिटी, इसके लिए हम सूत्र एक देने जा रहे हैं, जेड इक्वल टू एक्स के पावर एम। तो एम यहाँ पर कोई संख्या है ना, और यहाँ एक्स क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि ये जेड एक्स पर किस प्रकार निर्भर करता है, यह आपके सामने है एक जनरल फार्मूला के रूप में, जेड इक्वल टू एक्स के पावर एम। तो यहाँ एम क्या है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, मतलब दोनों ओर लॉग लेने पर, तो जेड का लॉग कितना होगा, लॉग जेड इक्वल टू एम लॉग एक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये लॉग जेड याद कर लीजिए जनरल तरीके से, कि लॉग एक्स का ये भिन्नात्मक त्रुटि जब भी हम लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स लिखेंगे, ठीक है ना, ये बखूबी हर जगह हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो लॉग जेड का यह फ्रैक्शनल इरर किस तरह से हम दिखाएंगे, लॉग जेड का डेल्टा जेड अपॉन जेड, एकदम ठीक इसी प्रकार से एम की वैल्यू को जैसा है वैसा लिख दिया, और लॉग एक्स को क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है ना। तो इसका परसेंटेज इरर हम फाइंड करना चाहते हैं, परसेंटेज इरर मतलब प्रतिशत त्रुटि बताना चाहते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, ये फ्रैक्शनल इरर में हंड्रेड का दोनों ओर इस जगह पर और इस जगह पर गुणा कर देना चाहिए। तो हमें मिला परसेंटेज इरर इक्वल टू ये डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू हंड्रेड इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू हंड्रेड, यानी कि डेल्टा सौ का इधर गुणा कर लिया तो सौ का इधर भी हमने गुणा कर लिया। अब इजी मतलब एग्जाम्पल ज़रा देख लेते हैं। एक कोई जनरल बात हम बताएं, कोई भौतिक राशि वाई ए बी सी और डी से दिए गए सूत्र के द्वारा निर्धारित है। अब वाई का मान में प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करना है, सपोज कीजिए कोई भी सवाल इस तरह से डील किया जाएगा आने वाले समय में, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, लॉग लेने पर, जैसा कि ऊपर बताए थे, क्रम आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पहले फार्मूला होगा, फिर इसके बाद लॉग लेंगे, इसके बाद भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे, इसके बाद प्रतिशत त्रुटि के लिए सौ का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले लॉग ले लिया, इसके बाद में हमने क्या कर लिया, इसका जस्ट उसी के आगे भिन्नात्मक त्रुटि ले लिया, जैसे लॉग वाई का भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा वाई अपॉन वाई है, लॉग ए का डेल्टा ए अपॉन ए लिख दिया, लॉग बी का डेल्टा बी अपॉन बी लिख दिया, लॉग सी का डेल्टा सी अपॉन सी लिख दिया, लॉग डी का डेल्टा डी अपॉन डी लिख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद में परसेंटेज इरर की बात करें, तो वो परसेंटेज इरर कैसे डिफाइन किया जाता है, ये चीज़ अलग से ध्यान से देखिएगा। ये परसेंटेज इरर इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू हंड्रेड, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या हुआ, इसी ऊपर वाले फार्मूले में हम 100 का गुणा करेंगे। लेकिन एक बात अलग से ज़रूरी है, ध्यान से रखिएगा, ज़्यादातर सवालों में हम इसका इस्तेमाल आसानी से करने वाले हैं। जब भी लॉग लेने पर माइनस वैल्यू आता है, है ना, भिन्नात्मक त्रुटि जहाँ पर भी निगेटिव में आता है उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। इसके लिए हमें मैक्स लिखना होता है, मैक्स का मतलब क्या होता है, अधिकतम, यहाँ पर याद रखिएगा मैक्स का मतलब होता है अधिकतम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू हंड्रेड मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, ये यहाँ पर अलग से ध्यान रखना है। इसको हम बोलते क्या हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई मैक्स, इसको मैक्सिमम परसेंटेज इरर इन दी वैल्यू ऑफ वाई आपको बोलने भी आना चाहिए कि किस तरह से हम इसको बोलते हैं। हिंदी में इसी चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, वाई के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना, इस आधार पर हम ऐसे इसको बोलते हैं। अब देखिए आंकिक शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है इस सवाल के लिए, क्वेश्चन नंबर वन के लिए आंकिक कह रहा है यहाँ पर, एक मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी छड़ की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है, इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत त्रुटि हो सकती है। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या दिया हुआ है, डेल्टा बी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक मीटर, क्योंकि यहाँ एक मीटर वाली छड़ से ही हमें ये किसी वस्तु की माप की गई है, तो वह माप कितनी मिल गई है, 20 मीटर। तो वह अल्पतमांक मीन्स लिस्ट काउंट मिल गया एक मीटर, क्योंकि इससे छोटी माप हम कर नहीं सकते हैं, तो वास्तविक माप कितनी हो गई, 20 मीटर। तो अब m फॉर मैक्सिमम, p फॉर परसेंटेज, e फॉर इरर।
मैक्सिमम परसेंटेज इरर है ना, ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए अब फार्मूला क्या हो गया, जैसा कि अभी ऊपर बताए थे उसी के आधार पर हम यहाँ पर भी बताना चाहते हैं। बी के लिए भौतिक राशि बी के लिए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, ठीक है ना। तो वैल्यू रख दिया जाए कि डेल्टा बी क्या है, 1 मीटर, बी की वैल्यू क्या है 20 मीटर, मीटर से मीटर काट दीजिए, तो इस प्रकार से 100/20 आ गया, 20 बचे कितना होता है 100, तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया 5%, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी प्रयोग में वाई इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक वर्नियर कैलिपर्स से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है, यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे भी रहा होगा। तो ये वैल्यू दोनों के दोनों दिया हुआ है। एक बात और कहना चाहते हैं, अगर ये वाली वैल्यू ना भी दिया गया होता तो लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देते, इस अंतिम संख्या के जगह पर हम 1 लिख देते हैं और इन दोनों जगहों पर 0 लिख देते हैं, तब भी हम आसानी से लिस्ट काउंट डेल्टा एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यू को ये मान रख दें तो परसेंटेज इरर इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि दिखाई दे रहा है, मान रख दिया, इसको कैलकुलेट कर लिए तो हमें मिला 0.133%, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है, इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो मोटाई को हम लंबाई के रूप में देखना चाह रहे हैं, लेंथ के रूप में हम देखना चाह रहे हैं, तो लेंथ के हिसाब से परसेंटेज इरर का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। तो ये पूरी माप कितनी है 2 मिलीमीटर और इसका अल्पतमांक अलग से दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर, तो देखिए मिलीमीटर से मिलीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन किया जाए तो हम कैसे करेंगे, दशमलव के 2 अंक से 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो हमें मिला 1/2 यानी कि 0.5%, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक पेंच मापी यानी कि स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा किसी तार का व्यास यानी कि डायमीटर 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है, इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपको दिया गया है, तो इसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने मन से ही ये लिस्ट काउंट हम ज्ञात कर ले रहे हैं। तो इस 5 के जगह पर ये देखिए 1 कर लिया और इन दोनों जगहों पर 0 0 कर लिया, तो सेंटीमीटर में ये है तो ये भी सेंटीमीटर में लिस्ट काउंट डेल्टा डी के रूप में हमें मिल गया। तो डी के रूप में परसेंटेज इरर का फार्मूला मिल गया, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। बस ऊपर से इन दोनों वैल्यूओं को रख दिए और कैलकुलेट कर लिए तो हमें आंसर मिला 0.39 यानी कि लगभग 0.4%, यह इस सवाल का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो यानी कि यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पहले ये जानना जरूरी है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में पाई क्या है, 22/7 या 3.15, ये कॉन्स्टेंट है, ये है ना, इसको समानुपाती स्थिरांक के रूप में भी हम मान सकते हैं, यानी कि इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे, ए प्रोपोर्शनल टू ये आर स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस आधार पर ये हमें मिला, ये पाई के जगह पर अगर हम जनरल तरीके से कांस्टेंट के माने, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दिए गए हुए होते हैं, तो उन सभी कांस्टेंट को केवल हम के मान लेते हैं एक साथ। तो पाई को हमने क्या यहाँ पर क्या मान लिया, कांस्टेंट के, जो कि समानुपाती स्थिरांक के रूप में यहाँ पर जा भी सकता है, अभी के रूप में ला रहे हैं, ठीक है ना। इसका कोई मात्रक या भौतिक राशि तो है नहीं कि इसका हम परसेंटेज इरर ज्ञात करेंगे, केवल आर भौतिक राशि है,
इससे हम एरिया ए का परसेंटेज इरर ज्ञात करने वाले हैं, के से ज्ञात नहीं होगा। तो के कांस्टेंट होने के कारण, क्योंकि इसका लॉग तो लिया जा सकता है लेकिन ये भिन्नात्मक त्रुटि जीरो होगी, इसलिए कभी भी कांस्टेंट का हम परसेंटेज इरर फाइंड नहीं करेंगे। आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, इसका डायरेक्ट स्टेप हम आगे आने वाले समय में लेने वाले हैं। तो चलिए अब ये चीज़ देखिए, एरिया का भिन्नात्मक त्रुटि की फ्रैक्शनल एरर कितना मिला, डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू, ये के हटा देना जरूरी है, इनटू जो भी पावर होता है याद रखिए वो आगे ले लेते हैं, डेल्टा अपॉन आर अपॉन आर। यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी अलग से दे दें कि जब कोई पावर हो कोई भी संख्या के रूप में वो आगे आ जाता है, जो इनटू होता है वह प्लस में हो जाता है। दो नियम अलग अलग से आपको ध्यान रखना है। किस तरह से हम यहाँ पर बात पहुँचाना चाहते हैं आपको, जरा वो चीज़ ध्यान रखिएगा। जरा इस फार्मूला में देखिए, y इक्वल टू जो दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यू सी अपॉन अंडर रूट डी, जरा इसको हम डायरेक्ट स्टेप लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, जरा इसको जरा लगातार डायरेक्ट स्टेप में देखिए। जो घात होता है वो कहाँ ले लेते हैं, आगे ले लेते हैं, इनटू में क्या होता है प्लस कर देते हैं, फिर से घात तीन है उसको आगे ले लिया, बी के लिए ये भिन्नात्मक त्रुटि लिख लिया, सी के लिए इनटू वाले वैल्यू को हम प्लस कर लेंगे, बार बार आने वाले समय में ये काम करने वाले हैं। केवल भिन्नात्मक त्रुटि में अगर नीचे चलते हैं तो निगेटिव में आ जाता है जैसा कि दिखाई दे रहा है, और अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि के केस में जो निगेटिव होता है उसको हम प्लस कर देंगे। इतना आने वाले समय में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी आधार पर जो घात है उसको हमने आगे ले लिया आर के लिए, डेल्टा आर अपॉन आर, ठीक है ना। तो इसका सीधे सीधे वैल्यू दिया हुआ है ये 1.5%, तो इस प्रकार से 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3.0%, ये अब आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकेंड है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकेंड मापा जाता है, इस प्रेक्षण में संभावित त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मात्रक सेकंड ये अल्पतमांक में भी लेंगे और वो उसकी वैल्यू में भी लेंगे। तो अल्पतमांक 1/5 दिया हुआ है जिसको हम ले दिए 0.2 सेकंड, ठीक, वो 1/5 को 0.2 हम लिखते भी हैं। अब टाइम क्या गिवन है यहाँ पर, ये टाइम गिवन है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 25 सेकंड। तो अब पर टाइम के लिए परसेंटेज इरर का फार्मूला हमें मिल गया, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ठीक है ना। तो डेल्टा टी की वैल्यू 0.2 रख दिया और टी की वैल्यू 25 सेकंड प्रश्न अनुसार रख दिया, इंटू 100 तो गुणा होना ही होना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 25 चौके 100 होता है, 4 × 2 = 8 होता है, 0.8%, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल के द्वारा एक आयताकार सीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है, सीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी वह हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें आयत ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना, रेक्टेंगल कहते हैं उसका। ये फार्मूला क्या होता है एरिया के लिए, एरिया ए इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो इसका इंटू में याद तो रखना ही है कि इंटू में यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो परसेंटेज इरर इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसी को हमें ज्ञात करना है। तो लेंथ के लिए हो गया डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इंटू में प्लस जो होता है, और बी के लिए डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। इन वैल्यू को हम देखिए कैसे रखने जा रहे हैं, 5.7 दिया हुआ है और लिस्ट काउंट यहीं से डायरेक्ट रख लेते हैं, लास्ट वाली संख्या के जगह पर 1 लिख देते हैं और इसके पहले वाली संख्या के जगह पर 0 लिख देते हैं। वही काम इसमें भी कर लिया, ऊपर से वैल्यू रख दिए और इस प्रकार से आपके सामने पूरा सोल्यूशन है। ये अंत में हल करने पर मान मिला 0.69, यानी कि लगभग अगर बात करें तो 4.7%, यह आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।